के ढेर में देश का भविष्य अपना ही भविष्य ढूंढता दिखाई दे रहा है। तस्वीरें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। खबर के माध्यम से हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। कर्ज के ठेकेदारों, अपने आप को राजा हरिश्चंद्र समझने वालों, मंदिरों में लंबी लंबी लाइन लगाकर लाखों दान करने वालों, जरा ये तस्वीर भी देख लो। सरकार के सिस्टम पर जोरदार तमाचा है ये तस्वीर और डगमगाती अर्थव्यवस्था की पोल खोल रही है ये तस्वीर। तस्वीरें कहाँ की हैं, वीडियो की कहानी क्या है, पूरा किस्सा आपको बारी बारी से बताएंगे। महज 7 से 8 साल की उम्र के मासूम बच्ची, ना पैरों में चप्पल है, ना भीषण गर्मी से बीमारी की कोई चिंता, बस कचरे के ढेर में खाने के लिए कुछ ढूंढ रही हैं, ताकि कुछ मिल जाए जो इनकी भूख मिट सके। और दूसरी तरफ मंदिर में लाइन लगाकर भगवान को दान कर रहे सैकड़ों लोग खड़े हैं, प्रसाद हाथों में है, लाइन लगाकर खड़े हैं ताकि पहले आगे वाला प्रसाद चढ़ाए तो मेरा नंबर आए और फिर उसके बाद मेरा। लेकिन किसी को मंदिर के बाहर पड़े कचरे में खाना ढूंढते इन बच्चों पर तरस नहीं आया। आता भी कैसे, बच्चे खाना थोड़ी खाएंगे, खाना तो भगवान खाती हैं, इंसान नहीं। आपने एक गाना तो सुना ही होगा कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मतलब ये अक्ल के अंधो, भगवान भी कहते हैं जो भूखा है उसे खाना दो, हमें खिलाने से कोई फायदा नहीं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ये तस्वीरें कहाँ की हैं। जानकारी के मुताबिक मामला पूरा मैनपुरी का है। यहाँ पर प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर माँ शीतला देवी के बाहर एक कूड़े का ढेर लगा हुआ है। जो भी श्रद्धालु मंदिर में प्रसाद या फल चढ़ाते हैं उसे मंदिर की सफाई के बाद इसी कूड़े के ढेर में डाल दिया जाता है और ये बच्चे उसी कूड़े के ढेर से ये फल प्रसाद बीनकर अपनी भूख मिटाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो में आपको एक युवक भी दिख रहा होगा जो साइकिल से है, बच्चों से इन फलों और प्रसाद को बिनवाकर साइकिल पर रखकर ले जाता है। सबसे पहले तो ऐसे लोगों पर ही कार्रवाई होनी चाहिए जो मासूम के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और शिक्षा की जगह ये सब सिखाते हैं।